नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जब से कल से गाना खेसारी लाल यादव का खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर रिलीज हुआ है, जिस गाने का नाम सेंट के सीसी है, जिसको खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज की आवाज में गाया गया है, तो इस गाने में खूबसूरत हॉट एंड बोल्ड अभिनेत्री सपना चौहान नजर आई हैं। और ये गाना 25 लाख से भी ज्यादा व्यूज प्राप्त कर लिया है। और ये गाना इस कदर भोजपुरिया दर्शकों और खास करके खेसारी लाल यादव के टीम मेंबर्स को इतना बड़ा खुशी दे दिया है कि जो नंबर सबसे बड़ा होता है उस नंबर पर यह गाना पहुंच गया है। यानी कि दिस सॉन्ग इज नाउ ट्रेंडिंग एट द नंबर वन इन मेन सेक्शन, और ये गाना जो है वो म्यूजिक सेक्शन में भी दूसरे नंबर पर अपना तांडव मचा रहा है। और ये गाना दोनों जगहों पर हर जगह ट्रेंड कर रहा है। तो ये तो भारत का आंकड़ा रहा है, भारत में मेन सेक्शन में नंबर वन और म्यूजिक सेक्शन में दूसरे नंबर पर ये गाना ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इस गाने को लेकर कुछ मैं ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिससे सुनकर आप लोग और भी ज़्यादा गदगद नजर आने वाले हैं। जी हाँ, बात करें तो ये गाना जो है, ये गाना जो नेपाल आप देश पता है, नेपाल देश के बारे में आपको पता होगा, ये नेपाल में गाना जो है वो ट्रेंड कर रहा है। यानी कि भारत में नंबर वन और मेन म्यूजिक सेक्शन में दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ये गाना नेपाल जैसे देश में भी ट्रेंड कर रहा है। और नेपाल में ये गाना जो है 26 नंबर पर, जी हाँ, सामने आप साइड में देख सकते हैं नेपाल लिखा हुआ है लोकेशन करके, और वहां पर जो है 26 नंबर पर ये गाना जो है वो ट्रेंड कर रहा है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आउट ऑफ कंट्री यानी कि हमारे देश से बाहर जो है ये गाना ट्रेंड कर रहा है। इसके अलावा एक और देश होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ इमेटेस यानी कि ईवाई जिसे कहा जाता है, उस जगह पर भी ये गाना ट्रेंड कर रहा है, 16 नंबर पर म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है। तो सोचिए कि भारत, नेपाल, ईवाई, एक गाना तीन जगह ट्रेंड करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसे कारनामे आए दिन खेसारी लाल यादव करते रहते हैं। तो एक अपडेट था, मुझे आपको बताना चाहिए। तो कैसा लगा अपडेट? बाकी और कोई देश में ट्रेंड कर रहा है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए, जरूर मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। हालांकि जब मैं चेक किया तो तीन देशों में ये गाना ट्रेंड कर रहा था। बाकी इस गाने को लेकर आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड थे, गाना कैसा लग रहा आपको, और इस गाने को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद।